नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं सो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड टिप्स मिलते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने में मदद करते हैं। सो दोस्तों, वो आपको डेली रीड करना चाहिए और उन्हीं को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन भी आपके लिए बनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और इम्प्रूव करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग लाए हैं हाउ टू शो डिसअग्रीमेंट इन स्पोकन इंग्लिश। यानी अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में डिसअग्रीमेंट दर्शाना हो, नाराजगी दर्शानी हो, तो ऐसे में कैसे दर्शाते हैं, आज के लेसन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आपको हिंदी में, अगर आपने हिंदी में कहा कितनी शर्म की बात है, सो दोस्तों कितनी शर्म की बात है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ शेम। व्हाट अ शेम यानी कितनी शर्म की बात है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने हिंदी में कहा क्या मुसीबत है, सो दोस्तों क्या मुसीबत है को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट द हेल। व्हाट द हेल, या बोल सकते हो व्हाट अ बॉदरेशन। व्हाट द हेल या व्हाट द बॉदरेशन, इसका मतलब है क्या मुसीबत है। ओके, ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने हिंदी में कहा कितनी बुरी बात है, ये तो कितनी बुरी बात है, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ टेरेबल। हाउ टेरेबल, या बोल सकते हैं हाउ बैड। सो दोस्तों, या तो आप कह सकते हैं हाउ टेरेबल या कह सकते हैं हाउ बैड। ओके दोस्तों, अगर आपको हिंदी में कहना हो इसकी इतनी हिम्मत या उसकी इतनी हिम्मत, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ डेयर ही। हाउ डेयर ही यानी उसकी इतनी हिम्मत। ओके, ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा कितने अपमान की बात है, कितनी अपमान की बात है, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल यानी कितने अपमान की बात है। ओके, ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तो ऐसे में आप कहेंगे हाउ डेयर यू से दिस। हाउ डेयर यू से दिस। ओके, अगर आपको हिंदी में कहना हो छी छी, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिसगस्टिंग। हाउ डिसगस्टिंग यानी छी छी। ओके, ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने हिंदी में कहा चुप रहिए, सो दोस्तों चुप रहिए को हम इंग्लिश में कहेंगे कीप क्वाइट। कीप क्वाइट यानी चुप रहिए। इसी तरह अगर आपने कहा खबरदार, सो दोस्तों खबरदार को हम इंग्लिश में कहेंगे बीवेयर। सो दोस्तों, इस तरह से इन डिसएग्रीमेंट्स के सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। आई होप यू लर्नड इट। I hope you enjoyed this lesson. If you really like this lesson, then please like and comment below. I will see you in next session. Till then, take care.